हमारे किसान साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आप सबकी YouTube चैनल बीफिट कैटल में। आज इस वीडियो में हम अपने जो किसान भाई हैं, फार्मर भाई हैं, वो उनकी एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जो उनकी जैसे बछिया हो गई, बछड़े हो गए या तो गाय भैंस है, वो कभी कभी उनको चोट लग जाती है किसी भी वजह से, या तो बाइक एक्सीडेंट की वजह से, या तो कभी कभी आप देखते होंगे रोड पे ऐसे एक्सीडेंट बिल्कुल होते रहते हैं कि जिसमें हमारी जो गाय बछिया है या तो आवारा ही गाय बछिया है तो वो चोटिल हो जाती है, बहुत ज्यादा उसे चोट लग जाती है। तो उस स्थिति में हमारा मन तो करता है कि हम उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, तो पर हम कर नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में हमें करना ये है कि अगर हमारा पशु घर का है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगर आपका पशु आपने कहीं देखा है वो बाहर है, चोट लग गई है उसे, तो आप पहले उसे साफ जगह पे ले जाए जहां पे मिट्टी धूल मिट्टी ना हो, मक्खियों से राहत हो, ठीक है। और अगर घाव नॉर्मल हो, घाव जैसे हो गया है, ब्लड आ रहा है, तब तो आप उसकी ड्रेसिंग कर दें। ड्रेसिंग करने के लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जिसे बोलते हैं पीपी आपको ले लेनी है और उससे अच्छे से धुलना है, अच्छे से धुलना है, पूरे घाव को अच्छे से धुलना है और साफ करने के बाद अच्छे से ड्रेसिंग कर देनी है। अगर आपको नॉर्मली बीटाडीन मिल जाती है तो आप उससे ड्रेसिंग कर दें, नहीं तो एक स्प्रे आता है जैसे हिमैक्स स्प्रे आता है, आपका टॉपी क्योर स्प्रे आता है, ये सब ब्रांडेड और अच्छे स्प्रे हैं। इसको यूज करने से जो हमारे पशु हैं उनका जो वाउंड है, घाव है, बहुत जल्दी वो भर जाता है, उनको रिलीफ मिलती है। पर अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो पशु है उसके घाव में कीड़े पड़ने लगे, उस स्थिति में हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो वो घाव ठीक होने की चांस जो है बहुत ही ज्यादा घटती चली जाती है। तो उस स्थिति में हमें बुटॉक्स मिल जाएगा, डेल्ट्रामाइसिन उसमें मिला रहता है, बुटॉक्स हमें लेना है, किसी भी मेडिकल शॉप से बुटॉक्स लेना है। और बुटॉक्स आपको छोटा सा मिल जाएगा, 10 ml का लगभग रहता है, 5 ml या 10 ml का, तो उसे आपको 200 ml पानी में अच्छे से घोल लेना है, घोल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसके बाद उसको डालना है उसके घाव में जहां पे कीड़े पड़े हैं। अगर घाव में कीड़े पड़े हैं तो वो बिना बुटॉक्स के नहीं ठीक होता, क्योंकि बहुत ही रेयर कंडीशन है कि वो अपने ठीक हो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हमने अभी अभी हाल में ही एक एक्सीडेंटल बछड़ा था तो उसकी दवाई की है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, तो उसको भी मैगट्स की प्रॉब्लम थी, उसके घाव में बहुत ज्यादा कीड़े पड़ गए थे। हमने बहुत कोशिश की कि उसको लाल दवा से या तो दूसरी दवा से ठीक कर लिया जाए, पर नहीं, एटलीस्ट हमें बुटॉक्स जहर जिसे बोलते हैं शुद्ध भाषा में, वो यूज करना ही पड़ा। और बुटॉक्स यूज करने के बाद हमने देखा कि एक दिन में ही उसके सारे कीड़े मर गए और हम उसके बाद लगातार टॉपिक की ओर यूज करते रहे, अब बछड़े को काफी आराम है। तो आपको बुटॉक्स ले लेना है और 10 ml आपको बुटॉक्स मिल जाएगा, 200 ml पानी के अंदर अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आपको जो आपकी टॉपिक की ओर मिल जाए या हिमैक्स मिल जाए या तो स्कैवान, जो आपको स्प्रे अच्छा स्प्रे वाउंड हील के लिए मिल जाए, उस स्प्रे को आपको ले आना है और उसके घाव में अच्छे से लगाना है और ड्रेसिंग कर देनी है। अब कोशिश करिए कि स्प्रे ही आप ले आए, क्योंकि कई बार होता है कि हम क्रीम जो लगाते हैं तो घाव में अच्छे से लग भी नहीं पाती और घाव जो अंदर तक घाव रहता है उसमें जा भी नहीं पाती, तो घाव बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाता है। तो आप स्प्रे ले आए और स्प्रे से अच्छे से उसके घाव को पूरा अच्छे से मेंटेन करें, स्प्रे करें और ड्रेसिंग कर दें। और ध्यान रखें, ड्रेसिंग एक सुबह करनी है, एक शाम में करनी है, और साथ में अगर हम बात करें कि हम दवा कौन सी खिलाएं, अगर घाव बहुत ज्यादा है, आपके एनिमल का घाव बहुत ही ज्यादा है, तो आप उसे आइवरमेक्टिन और मेलोन एक्स जो है आपकी, इसकी आपको इंजेक्शन लगवानी है, किसी भी अच्छे पशु चिकित्सक से आपको इंजेक्शन इसका लगवा लेना है। और अगर आप इंजेक्शन लगाने में नहीं सक्षम है कि हाँ मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता हूं, तो आपको वेटशिप 3 लेनी है। वेटशिप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक है और ये हमारे जो एनिमल है उसके घाव को सुखाने में बहुत मदद करती है। और एक मेलोन एक्स आपको ले लेनी है, उसमें पैरासीटामॉल मिला रहता है जिससे हमारे जो पशु है उसको दर्द में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। और साथ में हमें यूज करनी है हफ्ते में एक बार, जो हमारा पशु है उसको हाईटेक, उसमें आइवरमेक्टिन मिली रहती है जो कि उसके जो घाव में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए होती है, और साथ में उसके बॉडी की डिवार्मिंग भी हो जाती है। तो आपको पहले सबसे पहले डिवार्मिंग कर लेनी है, मतलब कि आइवरमेक्टिन टैबलेट उसे खिला देना है, फिर उसके कुछ देर तक हमें रुके रहना है, फिर उसके बाद हमें वेटशिप 3 की खिलानी है एंटीबायोटिक, फिर उसके बाद हमें मेलोन एक्स खिलानी है। और ध्यान रखें कि आइवरमेक्टिन हफ्ते में एक बार ही अपने पशु को खिलाएं, और उसके जो वेटशिप 3 है और हमारी मेलोन एक्स, अगर हमारा पशु बड़ा है एक गोली सुबह एक गोली शाम देनी है दोनों की। अगर आपका पशु छोटा है तो आप पैरासीटामॉल मेलोन एक्स की एक टैबलेट दे सकते हैं उसके दर्द के हिसाब से, पर आपको वेटशिप 3 की आधी ही गोली देनी है, आधी ही टैबलेट अपने एनिमल को देनी है, आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम। ऐसा करें आपके एनिमल को एक हफ्ते में बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। और ध्यान रखें उसे गीलेपन से और मिट्टी से जरूर बचाएं, इसी तरीके से आप अपने पशु को बचा सकते हैं घाव में पड़े कीड़ों से, वरना हमारा जो पशु है उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो अंदर ही अंदर
अंदर हमारे पशु को खाते रहते हैं और उस स्थिति में हमारा पशु बहुत ही जल्दी मर जाता है। तो हमारे किसान भाई एक बार इस ट्रीटमेंट को जरूर करके देख लीजिएगा और जितनी भी दवाइयां हैं मैं उनका डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं फोटो भी यूज कर सकता हूँ, फोटो भी आपको दिखा दूंगा कि जो जो दवाइयां हैं आप उनको खरीद लीजिएगा। और ये परफेक्ट ट्रीटमेंट है, मेरा खुद का किया ट्रीटमेंट है, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वरना नहीं करता। तो जिस भी टाइप के अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट कर दें, हम उस टाइप की वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ।